वेलकम बैक टू माई चैनल इंदू ब्लॉग्स एंड कुकिंग में आज हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज हम आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करेंगे फिश मस्टर्ड करी उसके लिए 200 ग्राम रोहू फिश लिया है आप कोई भी फिश ले सकते हैं जो आपको पसंद है वन फोर्थ सॉल्ट दिया है और वन फोर्थ हल्दी पाउडर इसे अच्छे से मैगनेट करके इसे रख देंगे दस से पंद्रह मिनट आप चाहे तो इसमें लेमन भी दे सकते हैं अब इसका मसाला तैयार करेंगे क्योंकि मस्टर्ड करी बनानी है इसलिए इसमें हमने येलो मस्टर्ड लिया है अगर आपके पास येलो ना हो तो आप ब्लैक भी ले सकते हैं चार टीस्पून लिया है क्योंकि इसमें मस्टर्ड थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा दो प्याज मीडियम साइज़ के लहसुन की कुछ कलियाँ लाल मिर्च आप अपने हिसाब से आप जितना ज़्यादा तीखा या कम खाते हैं ले सकते हैं अब इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा देखिए पेस्ट बनके तैयार हो गया है एक पैन लिया है गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं फिश को फ्राई करेंगे पहले हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है और इसे स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी इसे फ्राई करने में तीन से चार मिनट का टाइम लग जाता है एक तरफ फ्राई हो चुकी है अब इसे हम पलट देंगे फ़िश दोनों तरफ फ्राई हो चुकी है अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे अब सेम पैन में ही पंचपोरन दिया है इसमें कलौंजी जीरा मेथी सौफ पांच चीज़ें होती हैं आप चाहे तो सिर्फ मेथी से भी दे सकते हैं अब जो पेस्ट बना के रखा था इसे भी फ्राई करेंगे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे मसाला लगभग पक चुका है इसमें मसाले ऐड करेंगे हल्दी पाउडर वन थर्ड धनिया पाउडर हाफ चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर वन थर्ड सॉल्ट टेस्ट के अनुसार हाफ चम्मच हमने इसमें एक्स्ट्रा लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड किया है क्योंकि उसे उसका हमने पेस्ट बनाया था आप चाहे तो ज़्यादा तीखा खाते हैं तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं अब मसाले को भी हल्का सा पकाएंगे, थोड़ा सा पानी दिया है पकने के लिए स्लो फ्लेम पर ही पकाना है फ़िश ऑलरेडी फ्राई हो चुकी है तो बस मसाला पकना और पानी ऐड करेंगे उसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाएगा इसके बाद हम फिश ऐड करेंगे मसाला पक चुका है अब इसमें पानी ऐड कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है अब इसे ढक के रख देंगे एक बॉयल आने तक ऐड कर देंगे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप हमारी इस रेसिपी को एंजॉय करिए थैंक यू